हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक को हम युक्ति सामान्य सार संग्रह बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें जीके के 50,000 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये टॉपिक आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेलूर मठ अवस्थित है, तो याद रखिएगा बेलूर मठ ये है आपके कलकत्ता में। हौज खास कहाँ अवस्थित है, हौज खास ये दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन इम्पॉर्टेंट है, ये वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो ये है मैसूर में। इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खुदाबक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, खुदाबक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में है। कहाँ पर, पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, भारत भवन भोपाल में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पर्वतीय नगर मसूरी भी कहते हैं इसको, स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह ये हिमाचल प्रदेश में है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर उत्तराखंड में है। आनंद भवन स्थित है, तो प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, आनंद भवन वही है। शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है, तो ये दोनों ही श्रीनगर में है। कहाँ पर, श्रीनगर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो ये रामेश्वरम में स्थित है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील है उड़ीसा में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम्पी के खंडहर, तो ये कर्नाटक में मिलेंगे आपको, ठीक है, इसके अवशेष। हवा महल स्थित है, तो हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, हवा महल वाला, जयपुर में है ये। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है, हाथी गुफा है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। देखिए नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है, तो नंदी हिल्स भी लिखा दिखता है आपको कहीं कहीं प्रैक्टिस सेट में, नदी हिल्स भी, ये मैसूर में है। कहाँ पर, मैसूर में। साइलेंट वैली जिसको हिंदी में कहते हैं शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली ये केरल में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। जलियावाला बाग कहाँ स्थित है, जलियावाला बाग ये है आपके अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है ये मुंबई में है। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ है, रॉक गार्डन ये है आपके चंडीगढ़ में। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं, बाघ की गुफाएं ये हैं मध्य प्रदेश में। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को, किसे, रांची को। जवाहर सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में है, जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो मेहरौली लौह स्तंभ ये नई दिल्ली में है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं ये महाराष्ट्र में हैं। भीम बेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, भीम बेटका गुफा ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। कहाँ पर, कोलकाता में। भारतीय युद्ध
स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? आंसर है बीजापुर में, ठीक है। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो अशोक स्तंभ यह है सारनाथ में। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह है राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में। सांची का महान स्तूप है तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये, इम्पोर्टेंट है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका नाम है कौशाम्बी, ठीक है। क्या नाम है? कौशाम्बी। गोलकुंडा किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गोलकुंडा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण भारत में पर्वतीय सैरगा उदग मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। खजुराहो स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, प्रसिद्ध है ये बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी रहता है। दार्जिलिंग स्थित है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है दार्जिलिंग? पश्चिम बंगाल। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आंसर है अशोक का। किसका स्तंभ है? अशोक का। भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है तो यह है कोलकाता में। चेरापूंजी का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरापूंजी का नया नाम है सोहरा, ठीक है, सोहरा। अमरनाथ गुफा स्थित है, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, श्री अरविंदो आश्रम ये पुडुचेरी में है। जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैधशाला का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवई राजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया है जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा मुंबई के समीप स्थित है ये। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है पुष्कर झील, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया? देखिए पूरा कराने की बात कह रहा है तो ये है इल्तुतमिश। शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो ये है कोसानी, ठीक है, कोसानी। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है ये। गारो हिल्स कहाँ है? गारो हिल्स ये पड़ता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर के किले को बनवाया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की विवेकानंद ने। किसने? विवेकानंद जी ने। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका पुरी में चार मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा।